गुड इवनिंग गाइस, आज जो हम डील करेंगे वो नेक्स्ट क्लास है हमारी, फोर्थ क्लास। और आज हमारा जो कंटेंट रहेगा वो सिटीजनशिप के साथ रहेगा। तो आज जो ज्यादातर हमारा कंटेंट कवर है वो मेजर टॉपिक जो है वो सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप जो है, दो तरह के लोग एक कंट्री को बिलोंग करते हैं। इंडिया में दो तरह के लोगों को हम सिटीजनशिप के दायरे में डाल सकते हैं, देते हैं या नहीं देते वो दूसरी बात है। एक आते हैं सिटीजन्स जिनको हम सिटीजनशिप देते हैं, जिनके पास सारी पावर्स होती हैं, राइट्स होते हैं इंडिया में। बट एक आते हैं एलियंस, और एलियंस खुद भी दो कैटेगरीज में आते हैं। एक हमारे फ्रेंडली एलियंस हो सकते हैं, एक हमारे एनिमी एलियंस होते हैं। एनिमी एलियंस के पास फ्रेंडली एलियंस से भी जो है लेसर राइट्स अवेलेबल होते हैं, तो काफी कम राइट हम देते हैं एनिमी एलियंस को। पार्ट सेकंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है सिटीजनशिप के साथ। फिफ्थ आर्टिकल से 11th आर्टिकल जो है वो सारा इसके साथ है। अब इन डिफरेंट आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि किन किन लोगों को इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिटीजनशिप मिली, कौन से इंडिया से बाहर चले गए उनको मिली, कौन से इंडिया में शिफ्ट हुए उनको मिली। तो ये अलग अलग आर्टिकल्स में है। आर्टिकल फिफ्थ बताता है सिटीजनशिप के बारे में कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। आर्टिकल सिक्स बताता है कि कौन से लोग जो माइग्रेटेड हुए इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, उनको सिटीजनशिप मिली। आर्टिकल सेवन राइट ऑफ सिटीजनशिप सर्टन माइग्रेंट्स की बताता है जो पाकिस्तान को गए। आर्टिकल 8 सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन रिलीजन दे आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, उनके बारे में बताता है। आर्टिकल 9 हमें वॉलंटरली बताता है कि अगर आप किसी बाहर की कंट्री की सिटीजनशिप लेंगे तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप रिनाउंस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 बोलता है कि आप किन किन केसेस में सिटीजनशिप कंटिन्यू रहती है। जैसे अगर आप एजुकेशनल ग्राउंड पे बाहर गए हैं इंडिया के, तो भी आपकी सिटीजनशिप लॉन्गर टर्म तक, नॉर्मल टर्म से लॉन्गर टर्म तक वैलिड रहती है। डिटेल्स हम आगे सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे। आर्टिकल 11 बताता है कि किन केसेस में पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है। जैसे आप एनिमी कंट्री के साथ वॉर टाइम पे ट्रेड करें तो आपकी सिटीजनशिप खत्म की जा सकती है। आप और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट ऑफ नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन में हेरा फेरी करें, उनमें गड़बड़ करें, आपको सिटीजनशिप मिल जाए और बाद में पता चले कि उनमें गड़बड़ है, तो भी खत्म की जा सकती है। ये चीजें हम आगे फर्दर स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ये आर्टिकल्स जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन से पर्सन जो है उनको सिटीजनशिप मिली एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एम्पावर करते हैं पार्लियामेंट को कि वो लॉज बना सकती है इन्हें मैटर्स कंसर्निंग टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के ऊपर लॉज बनाए जा सकते हैं, और इसी के वजह से सिटीजनशिप एक्ट 1955 इनेक्ट किया गया। फर्दर मॉडिफिकेशन हुई है 1986 में इसको मॉडिफाई किया गया, 1992 में मॉडिफाई किया गया, 2003 में इसको मॉडिफाई किया गया, 2005 में मॉडिफाई किया गया, 2019 में से रिसेंट मॉडिफिकेशन की गई है इसके अंदर। जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं, जब वो इंडिया से बाहर सेटल हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इंडियनाइज रहें, इंडिया से कनेक्टेड रहें। चाहे वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दें या इन्वेस्टमेंट करें, तो कोई ना कोई उन्हें बेनिफिट हमें उनका मिलता रहे, हम भी उनको दें तो उनका भी हमें बेनिफिट मिलता रहे। 2003 में एक लॉ इनेक्ट किया गया जिसमें 16 कंट्रीज के लोगों को, जो वहां के इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको ये राइट दिया गया कि वो एक तरह की पार्शियल ड्यूल सिटीजनशिप, इट इज नॉट अ प्योर ड्यूल सिटीजनशिप, इट इज अ पार्शियल ड्यूल सिटीजनशिप दी जा सके। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, इटली, आयरलैंड, इजराइल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोर्तुगाल, स्क्रिप्सस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स हैं जिनको सिटीजनशिप दी गई। 16 कंट्रीज इसलिए चुनी गई कि 90% के जो लोग हैं इंडिया के जो बाहर सेटल हुए हैं वो इन्हीं कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। दो इकोनॉमिक, इनको ये राइट दिया गया कि ये इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये इंडिया में इन्वेस्ट करें, अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अगर किसी जगह पे लगी होगी तो उसका उसके साथ बाइंडिंग रहती है। तो पैसेज ऑफ टाइम दे विल हैव ए बाइंडिंग विद इंडिया, एंड वो बाइंडिंग आगे बढ़ाई जा सकती है। जिसको बढ़ाने के लिए 2006 में इन्होंने फिर उसमें मॉडिफिकेशंस की, और इनको नॉन रेजिडेंट इंडियंस को ये राइट दिया कि वो वोट में कर सकते हैं पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस में, ठीक है जी, बट वो खुद खड़े नहीं हो सकते। उनको खुद एज ए एमपी या एमएलए बनने की पावर नहीं थी, बट उनको और इंडियनाइज करने की कोशिश की गई। जितना इंडियनाइज होंगे, जितनी बाइंडिंग बढ़ेगी, उतना एसोसिएशन इंडिया के साथ बढ़ेगा, तो उतना फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, एसेट्स भी हमें उनके मिलेंगे, तो वो उसको गेन करने की कोशिश की गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो पास हुआ है, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 11th दिसंबर 2019 को पास किया था। ये रीसेंट अमेंडमेंट है। इसमें
जो अमेंडमेंट की गई सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर, और इसमें जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं दूसरी कंट्रीज में, एक्सेप्ट द पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, इन तीन कंट्रीज में जिनका की स्टेट रिलीजन इस्लाम है, वहां की रिलीजियस माइनॉरिटीज को हमने, रिलीजियस माइनॉरिटीज में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस हैं, इनको हमने एक तरह का इंडिया में सिटीजनशिप को अक्वायर करना आसान कर दिया बहुत, तो इनके लिए ये आसान कर दिया गया। बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस बिल को 2016 में भी इंट्रोड्यूस किया था। ये बिल जो है लोकसभा से तो पास हो गया था उस टाइम, बट राज्यसभा से पास हो नहीं हो पाया था, तो ये उस टाइम पास नहीं हो पाया था, बट इसे 2019 में जो है मॉडिफाई करा लिया गया, और 2019 में मॉडिफाई करा के 11 दिसंबर 2019 को हमने नया अप्रूवल दे दिया कि 2014 से पहले जितने ये रिलीजियस माइनॉरिटीज के मेंबर्स इंडिया में आके आए हुए हैं वो इंडिया में सिटीजनशिप को इजीली एक्वायर कर सकते हैं। ये रिसेंट चेंजेस थे 2019 में किए गए थे। आप सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं? आप सिटीजनशिप बर्थ से एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में जन्म लें, यू कैन बी बॉर्न इंडिया आफ्टर Jan 26, 1950 और बिफोर June 30, 1987, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी यू विल हैव द इंडियन सिटीजनशिप ऑफ योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स की नेशनलिटी के बिना भी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी, बट प्रॉब्लम क्या था, बर्थ के साथ कनेक्टेड था ये। और हुआ क्या कि 71 की वॉर के बाद बांग्लादेशी बहुत सारे इंडिया में आ गए, उनके बच्चों ने यहाँ जन्म लिया, उनको तो सिटीजनशिप मिल गई, पेरेंट्स उन माइनर्स के गार्डियंस बन के टिक गए, तो आपको लिए उनको वापस भेजना बहुत मुश्किल हो गया जिनके बच्चों ने यहाँ जन्म लिया। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए July 1, 1987 को इन्होंने कर दिया कि उन जब जो भी यहां जन्म लेगा इसके बाद आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स शुड बी एन इंडियन सिटीजन, या फादर या मदर इंडियन सिटीजन होंगे तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी। फर्दर 3 दिसंबर 2004 को इन्होंने इसको पास कर दिया, इसको मॉडिफाई किया, इन्होंने बोला कि उस अब आपके दोनों पेरेंट्स, बोथ ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी इंडियन सिटीजन, या एक अगर इंडियन सिटीजन है तो दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए इंडिया में। तो इफ वन ऑफ देम इज सिटीजन द अदर शुड नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसमें फॉरेन डिप्लोमेट्स नहीं आते हैं, एनिमी एलियन के लोग नहीं आते हैं। September 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने होल्ड किया कि जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है या पासपोर्ट है या आधार कार्ड है वो गारंटी नहीं है कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी जब तक आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन नहीं हो। तो ये मॉडिफिकेशंस फर्दर लॉज की आती हैं, फर्दर एनेक्टमेंट्स होते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी जहां जरूरत पड़ती है जुडिशियल रिव्यू के फॉर्म में आती रहती है। बाय डिसेंट, अगर आप इंडिया से बाहर जन्म लें, डिसेंट का मतलब है बाहर जन्म लें, बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट जो होती है ये दोनों कैटेगरीज नेचुरल सिटीजन है इंडिया के जी। तो बाय डिसेंट अगर आप बाहर जन्म लें, अगर 26 जन 1950 ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जन 1950 बट बिफोर 10th December 1992 उसको सिटीजनशिप मिलती थी अगर उसके फादर इंडियन सिटीजन हो। अब इसके साथ इशू क्या था कि जिनकी जिनकी बेटियां बाहर सेटल हो गई हैं, अगर उनके सपोज उस कंट्री में डाइवोर्स हो जाता है और वो बेटी घर आना चाहती है तो उसके बच्चों को कोई राइट्स नहीं मिलेंगे इसके अंदर, तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टी राइट्स के इशू बने। अल्टीमेटली इसको मॉडिफाई किया गया 10th December 1992 को और मदर को भी राइट्स दिए गए कि वो इजिली एक्वायर, उसके बच्चे इजिली एक्वायर कर सकते थे। एक लड़की भी अगर बाहर शादी करती है तो उसके बच्चे भी सिटीजनशिप को इजिली एक्वायर कर सकते थे, उसके बच्चे अगर बाहर होते हैं तो वो इजिली एक्वायर कर सकते थे। 3 दिसंबर 2004 को उन्होंने इसको मॉडिफाई किया, उन्होंने बोला कि सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब वहां की कौंसिलियट में जहां बर्थ होता है वहां इंडियन एम्बेसी में इंडियन कौंसिलियट में उसको रजिस्टर करवाया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आपको बर्थ के 1 ईयर के अंदर अगर आप बाहर जन्म लेते हैं इंडिया से तो आपको वहां की कौंसिलियट में रजिस्टर कराना पड़ेगा इंडिया के। तो अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं 1 ईयर के बाद टर्म एक्सपायर हो जाता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए जी आपको ये रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल में मिलेगा। तो ये मॉडिफिकेशन भी आस्था जैसे जैसे जरूरत पड़ी उसके हिसाब से की गई। बाय रजिस्ट्रेशन NRIs अगर परफेक्टली इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन से आती है, फॉरनर्स अगर लेना चाहते हैं तो वो नेचुरलाइजेशन से आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन पे रजिस्टर कर सकती है किसी को भी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन होना चाहिए ठीक है,
जो इंडिया में कम से कम 7 साल रहा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड ही हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर लास्ट 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग दैट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करने से पहले 7 साल वो इंडिया में रहा होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए या ऑर्डिनरली रिजाइड होना चाहिए इन कंट्री में, एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया जो पहले था उसमें से किसी में रहता होना चाहिए। ए पर्सन इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो सिटीजन से मैरिड हुआ हो या ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहा हो इंडिया में 7 साल के लिए बिफोर मेकिंग एन रजिस्ट्रेशन, वो भी हो सकता है। माइनर चिल्ड्रन जो है ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया वो भी इसके लिए एलिजिबल है, रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें साथ साथ फुल एज और कैपेसिटी का वो इंसान जिसके पेरेंट रजिस्टर्ड थे एज सिटीजन ऑफ इंडिया वो करा सकता है। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु आर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड हैज बीन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, वो भी आ सकता है इसमें। ये थोड़ा डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन के आगे पढ़ेंगे हम, फॉर 5 ईयर्स एंड हु हैव बीन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। तो ओसीआई बोलते हैं इनको, ओसीआई होना चाहिए 5 साल के लिए और 1 साल इंडिया में रहता होना चाहिए, तब वो भी फुल एक्वायर करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो ये रजिस्ट्रेशन के अंदर भी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन रजिस्टर कर सकते हैं। नेचुरलाइजेशन में फॉरनर्स एक्वायर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप बाय द एक्ट ऑफ नेचुरलाइजेशन, उसे ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि नेचुरलाइजेशन करने वाले को ओथ लेनी पड़ती है कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करेगा, उसको मानेगा, उसको अबाइड करेगा। क्वालिफिकेशन नेचुरलाइजेशन के लिए आर्टिकल सेक्शन 6(1) में है। नेचुरलाइजेशन के लिए सिटीजनशिप ऑफ कंट्री स्पेसिफाइड शेड्यूल 1 में जो दी है वो होनी चाहिए। ये किसी ऐसी कंट्री का सब्जेक्ट का मतलब उसका सिटीजन नहीं होना चाहिए जिसने बाय लॉ प्रिवेंट किया हुआ है कि इंडिया के लोग वहां के सिटीजन नहीं बन सकते, ठीक है जी, जिसने हमें रोका हुआ है हम उनको नहीं देंगे, ये एक पहला पॉइंट है। इफ अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री हैज रिनाउंस्ड द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री, रिनाउंस होता है त्याग देना, तो अगर किसी सिटीजन ने वहां की सिटीजनशिप त्याग दी है और वो नोटिफाई कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को तो भी हो सकता है। और जो रिजाइड करता है इंडिया में या इंडियन सर्विसेज में है गवर्नमेंट की, वन फॉर द वन एंड पार्शली द अदर, या दोनों केसेस में या आधा आधा करके ऐसे भी हो सकता है, फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 12 महीने के लिए बिफोर मेकिंग दैट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन करने से पहले 12 महीने वो इंडिया में होना चाहिए, पार्शली वो फुली भी ले सकते हैं पार्शली भी ले सकते हैं, वो इंडिया में रिजाइड होना चाहिए गवर्नमेंट की सर्विसेज में होना चाहिए, या सिर्फ 12 महीने रह रहा हो या 12 महीने उसने रहा भी और सर्विसेज भी की हो, तो ये सारी कैटेगरीज अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को इंक्लूड किया गया, ये सब इसमें आते हैं। 12 ईयर्स के लिए कोई रह रहा हो प्रोसीडिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ही हैज बीन रिजाइडिंग इन इंडिया और वो इंडिया की सर्विसेज में था और पार्शली फिर वही आधा आधा होगा तो भी आ सकता है, और एग्रीगेट 9 साल से कम नहीं होना चाहिए, फॉर ए पीरियड अमाउंटिंग टू द एग्रीगेट टू नॉट लेस देन 9 ईयर्स, 9 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। अच्छे करेक्टर का इंसान होना चाहिए, एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए उसे इंडिया की लैंग्वेज की जो स्केड्यूल 8 में है, तो 8वें स्केड्यूल में लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक लैंग्वेज कम से कम उसे अच्छी तरह आनी चाहिए। वो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन जब उसको ग्रांट की जाएगा तो उसके बाद वो इंडिया में रिजाइड करेगा या इंडिया की गवर्नमेंट की सर्विसेज में आएगा या सोसाइटी या कंपनी या बॉडी बना के अपना पार्टिसिपेशन इंडिया में देगा। याद रखने वाली बात है, अगर हम कोई टेरिटरी जीतते हैं तो उस टेरिटरी का कौन सा इंसान इंडियन सिटीजन बनेगा कौन सा नहीं बनेगा इसका फाइनल पावर पार्लियामेंट के पास होती है, पार्लियामेंट कैन डिसाइड कि किसको सिटीजनशिप मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई मैंने जो बता रहा हूं बता देते हैं, ये इनको इमिग्रेंट स्टेटस मिलता है फॉरेन सिटीजन जो इंडियन ओरिजिन के हैं ताकि वो लिव इंडिया में रह पाए या वर्क कर पाए इन दिस रिपब्लिक ऑफ इंडिया इनडेफिनेटली। ओसीआई इंट्रोड्यूस किया गया था, एनआरआईज की डिमांड थी उसके हिसाब से, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में अगस्त 2005 को इंट्रोड्यूस हुआ। भारतीय प्रवासी दिवस होता है 9th जैन को, तब ये किया गया था, कन्वेंशन हुई थी 2005 में हैदराबाद में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिवेंट करता है इंडियन सिटीजन को ड्यूल सिटीजनशिप लेने के लिए, तो ओसीआई इसको इस तरह की पार्शल ड्यूल सिटीजनशिप दी गई है, दैट इज नॉट कंप्लीट ड्यूल सिटीजनशिप। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस जो है वो नीड मिलेंगे इनको, नो राइट टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, नो राइट टू बाय एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, बट ये
बाकी पर्पजेस के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जॉब या वो सर्विसेज इंडिया में कर सकते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये यूज ओसीआई डॉक्यूमेंट जो है ये पासपोर्ट के साथ होता है, एक्सेप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एप्लीकेशन रिसीव करने पर रजिस्टर कर सकती है किसी को ओसीआई, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो ऑन 26 या 1950 ऑन और एट एनी टाइम देयर आफ्टर, वो किसी टेरिटरी को बिलोंग करता हो जो अगस्त 15 1947 को इंडिया का पार्ट थी, वो सिटीजन ऑफ इंडिया था ऑन 26 या 1950, वो उसके लिए एलिजिबल था उस चीज के लिए, या माइनर चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है किसी इंडियन सिटीजन का जो फॉरनर बन गया था, वो भी एक्वायर कर सकता। ये माइनर चाइल्ड है, पर्सन मेंशन्ड अबव इनका हो सकता है, माइनर चाइल्ड या हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजंस ऑफ इंडिया और वन ऑफ द पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया वो हो सकता है, स्पाउस है फॉरेन ओरिजिन का सिटीजन ऑफ इंडिया का वो इसमें हो सकता है। 7A सेक्शन है सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, कार्ड होल्डर उसके अंदर रजिस्टर होते हैं और कंटिन्यू करते हैं फॉर अ पीरियड नॉट लो देन 2 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर, आपको ये एप्लीकेशन देने से पहले 2 साल इंडिया में रहना पड़ेगा। No person who is either the parents or grandparents or great grandparents is or had been the citizen of Pakistan or Bangladesh, वो इसमें included नहीं है, वो OCI के through citizenship acquire नहीं कर सकते। Termination of citizenship खत्म कैसे होती है? खत्म करने के practically 3 ways हैं। आप लिख के देते हैं मैंने छोड़नी है, कुछ countries की citizenship लेने के लिए ना वहां पे आपको एक NOC देना पड़ता है कि आपका पिछले किसी country में कोई भी बैड करेक्टर या कोई पुलिस केस या कोई भी इशू नहीं है, उसके लिए आपको एनओसी के लिए इंडिया में आपको एक रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके लिए आप लिख के देते हैं कि आप इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको एक एनओसी दे देती है, तो ये रिनाउंस कर सकते हैं उन कंट्रीज की सिटीजनशिप लेने के लिए। टर्मिनेशन किसी कंट्री की लेंगे तो अपने आप इंडिया की टर्मिनेट हो जाएगी, तो अगर आप यूके या यूएस की लेते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप ही खत्म हो जाती है, दैट इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट खत्म कर सकती है जी, कई केसेस में पार्लियामेंट के पास पावर है, कई जगहों पे पार्लियामेंट खत्म कर सकती है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड करें या माल एडमिनिस्ट्रेशन माल फर्क शो करें, फॉल्स डाटा डालें, तो गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप तो दे दे बट बाद में पता चला कि उसमें गड़बड़ है तो आपकी ये सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। आप एनिमी कंट्री के साथ वॉर टाइम पे ट्रेड करें तब कर सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिसलॉयल्टी शो करें तब कर सकते हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिले बट 5 साल भी नहीं हुए मिले हुए, उस पीरियड के अंदर आपने ऐसा क्राइम किया इंडिया में जहां कम से कम 2 साल की सजा मिल गई आपको, तो वहां पे भी गवर्नमेंट आपकी ये कैंसिल कर सकती है, और अगर आप 7 साल से ज्यादा बाहर रह रहे हैं इंडिया से तो भी आपकी रजिस्ट्रेशन या आपकी सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। बट अभी हमने पढ़ा इसमें ग्राउंड्स चेक किए जाते हैं, जैसे आप अगर मेडिकल ग्राउंड पे गए हैं तो नहीं हो सकती, आप एजुकेशनल बैकग्राउंड पे गए हुए हैं एजुकेशन एक्वायर करने गए हुए हैं तो भी नहीं हो सकती, बट अगर आप 7 साल से ज्यादा बाहर चले जाएं, वहीं घर बना लें, वहीं बैंक में अपना बिजनेस शुरू कर दें, वहीं स्ट्रक्चर्स खड़े कर लें, लग जाए कि आपने वापस नहीं आना, तब इन केसेस में सिटीजनशिप खत्म की जा सकती है। तो ये सिटीजनशिप की एक्वायरिंग और उसकी छूटने के सारे पॉइंट्स थे, कुछ टेक्निकल फिगर्स भी थी, डाटा भी था, तो प्लीज ध्यान से करिएगा। आज हम इतना ही करेंगे, थैंक यू।